सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पिछले दिनों राजपुरा के वार्ड नंबर 9 में पार्षद पद के चुनावों में भारी मतों से जीत प्राप्त कर वार्ड नंबर 9 के पार्षद बने ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री को हलका विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज द्वारा अपना आशीर्वाद देकर नगर कौंसिल की प्रधान पद की कुर्सी पर भी बिठाया गया था, क्योंकि हलका विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज द्वारा वार्ड नंबर 9 के वोटरों से ये वायदा किया गया था कि आप नरेंद्र शास्त्री को उक्त वार्ड से पार्षद बनाओ, वह शास्त्री को नगर कौंसिल का प्रधान बनाएंगे। आज उसी वायदे को पूरा करने के बाद वार्ड नंबर 9 में पचरंगा चौक के नजदीक वोटरों का धन्यवाद करने के लिए एक धन्यवाद समारोह नगर कौंसिल के प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री की प्रधानगी में रखा गया, जहां वार्ड के रहने वाले सैकड़ों लोगों ने इस धन्यवाद समारोह में शिरकत की। इस समारोह में बतौर मुख्य मेहमान के तौर पर लोगों का धन्यवाद करने पहुंचे हलका राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज अपनी टीम जिसमें पीपीसीसी सदस्य भूपिंदर सैनी व लोक भलाई ट्रस्ट के चेयरमैन श्री जगदीश कुमार जग्गा, ब्लॉक कांग्रेस देहाती के प्रधान बलदेव सिंह गद्दो माजरा के साथ पहुंचे। इस समारोह में क्या हुआ वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको लेकर चलते हैं पचरंगा चौक वार्ड नंबर 9 में बने गोसाई जी के मंदिर में, जहाँ आज सुबह इस धन्यवाद समारोह से पहले उक्त वार्ड के पार्षद व नगर कौंसिल के प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर सबसे पहले मंदिर में विराजमान ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सेवादार सुरिंदर शर्मा जी व शास्त्री जी के परिवार की ओर से ठाकुर जी की पूजा का प्रबंध बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया था, जहां शास्त्री जी ने अपने परिवार की ओर से ठाकुर जी का धन्यवाद किया व संगत में लड्डू बांटे। अब आपको दोबारा लेकर चलते हैं धन्यवाद समारोह में, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे वार्ड निवासियों का इकट्ठ देखते ही बनता था। यहां वार्ड निवासियों सहित शहर के गणमान्य लोगों ने भी नरेंद्र शास्त्री को पार्षद व उसके बाद प्रधान बनने पर बधाई दी। इस मौके पर जहां हलका राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज का इस समारोह में पहुंचने पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया, वहीं विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने वार्ड निवासियों का श्री नरेंद्र शास्त्री को पार्षद बनाने के लिए धन्यवाद किया व नरेंद्र शास्त्री व जगदीश कुमार जग्गा ने भी वार्ड निवासियों का धन्यवाद करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक दिन मैं उठे चला गया, उन्होंने मेरे चावना से बुला लिया, तुसी मनोगे मैं जब उन्होंने रहन सहन एक कमरा सीधा जब देखा मेरे रोना आ गया उसे जाके, मैं कही यार बड़ी शर्म की गल है भी इन्होंने भी भ्रष्टाचार इन्होंने भी ठगी, बड़ी शर्म की गल है। मैं दिल सोच रहा थी इन्हों स्वर्ग की नर्ग की जगह नहीं मिलू, इन्ने भ्रष्टाचार होया उन्हें किन्ने, मैं थोड़ा गल दस सकता जी इतने भ्रष्टाचार होया अपने राजपुर। दूजे पास साढ़े सरदार हरदयाल सिंह जी की सोच है एमएलए साहब की भी मैं पूरे पंजाब एक नंबर से अपने राजपुरे को सोना शहर बनाना, बाकी रहेगी भ्रष्टाचार की गल। नरेंद्र शास्त्री उसने जो प्रधान बनाया उस दिन ही सानू कमेटी के जिन्हें भी कर्मचारी ने अफसर ने एमसी ने ते शास्त्री जी प्रधान जी ने एक हुक्म लाया सारे बुला के, कहते ना मैनू पैसे की लोड़ है ना नरेंद्र शास्त्री की लोड़ है ना एमसीए की लोड़ है, कोई अगर मैनू कोई शिकायत आ गई कमेटी में भ्रष्टाचार की मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा, एक एक इन्हों की सोच है। कल सारे रेडीमेड आए जिन्हें भी दुकान 80 दुकाना ने इतने अपने राज 80 बंदे कल मेरे को आए थे, कहते जी लो दुकान के चाबियां सानू खबर आई है कि सानू इतने पुलिस तक करूगी या कोई यह चार एक शरारती बंदे तुर रहे हैं होर शहर च भी हो रहा है साढ़े नाल भी धक्का होगा, सानू फोन आया अस दुकाना के ताले मार के आ गए, मैं कहा तुम परवाह ना करो पहले चाह पियो पानी पियो कोई गल नहीं आप प्रधान जी गल कर ले, मैं प्रधान जी फोन मारिया मैं प्रधान जी 60 व्यापारी बैठे ने खड़े सी कल 60-70 बंदे सीगे कल, मैं कहा प्रधान जी ये इन्हां दी प्रॉब्लम है ते और बंदे नजायज तंग करन वास्ते कहते नजायज तंग करनगे सानू, प्रधान जी नूं फोन मारिया कहते जिहड़ा होवे इन्हां नूं नजायज तंग करता है उन्होंने बन के बिठा लो, मैं बैठा इहो जिहे दलेर ने प्रधान जी ने एक वादा मैं एक वादा जोड़ लिया। देखो असीं जिहड़े इकट्ठे होए ना दोवें आपस च ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੋਟ ਜੱਗੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਈਏ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਈਏ ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਪਰ
जो तुम कहोगे होगा, पर एक गल का वादा कर लो, हाथ खड़े करके भी अभी ठोक के तुहाडे नाल खड़े, हाथ खड़े करके बिल्कुल ठोक के खड़ना है। इधर तो देखना नहीं, ना आप होर कोई पार्टी को देखना है, ना कुछ देखना, देखना सिर्फ सरदार हरदयाल सिंह कबोल को देखना। तुम देखो मेरे वर्गा बंदा एक मुख्यमंत्री नाल रहा हो, मैं प्रधान जी नाल लगे, मेरे चलो 15-20 साल तो इन्होंने मेरे विदेशों रहे, मैं कोई ऐसा नहीं लग गया, एक कले MLA नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने इन्हों की पावर है। मैं तुम दस रहा, मैं अपने वालों कह रहा, इन्हें अपने आप में पावर ने, यह अपने राजपुर की खुशकिस्मती है, बार बार मैं तुम कह रहा जो आप MLA। बाकी एक बार फिर मैं नरेंद्र शास्त्री जी अपने वालों, सारे वालों, राजपुरा शहर वालों, MCA वालों सारी लख लख वधाई देता, नाल प्रधान जी का धन्यवाद करता, जो इन्होंने थोड़े वादा किया पूरा किया। अज की महसूस कर रहे? अज मैं धन्यवाद करने लिए आया, इतने जदों बाय इलैक्शन चल रही थी, नरेंद्र शास्त्री जी साढ़े इतने कौंसलर के उम्मीदवार से इस वार्ड तो 9 तो, मैं उस दिन भी इन्हों अपील करने के लिए आया सीगा कि तुहानू नरेंद्र शास्त्री जी जिहड़ा इतों MC बनाना चाहिए, तो मैं इन्हों अगे वधावांगा, जिम्मेवारी देंगा शहर की। सो उस वक्त मेरी गल नू मन के सारे वार्ड निवासियों ने इन्हों बहुत वड्डी गिनती 800 वोट से जिताया सीगा। सो मैं अज विशेष तौर पर उन्हों का धन्यवाद करने लिए आया सीगा कि तुसी जे MC बनाया तो यह अगे म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान बने, मैं इस करके इन्हों मैं थैंक्स करने लिए आया वार्ड निवासियों का, तो मैं थोड़े राय भी इन्हों का धन्यवाद करता बहुत बहुत, तो थोड़ा भी कि तुसी हमेशा ही बहुत वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा साडा सहयोग जिहड़ा दिंदे आ, तां इह सहयोग दे सदका ही असीं जिहड़ियां विकास वालों जिहड़ियां पलांघां हो असीं कुट्टण लगे होए आ। कानून साहब, कल भारत बंद का एक सद्दा होया हो जी पूरे देश के अंदर, तो उहदे संबंधी राजपुरा दे प्रति तुसीं कोई सुनेहा देना चाहते? देखो मैं पहला भी अपनी गल च कह के हटिया, साडे सारे लोग बड़े अच्छे आ, किसी भी समाज के जिहड़े दल समाज के साडे उरे आगू साहिबान बड़े अच्छे आ, समझदार ने, ते उन्होंने देखो हर बंदे का राइट आ प्रोटेस्ट करना, उन्हें वो पीसफुल तरीके दे नाल प्रोटेस्ट अपना करनगे, अते जदों तक उन्होंने कॉल है कि इन्ने बजे तक जो प्रोटेस्ट करना वो शांतमई तरीक, मैं उन्होंने थोड़े राय भी बेनती करना, निजी तौर पर भी मैं की थी कि आपने कोई भी ऐसा कदम नहीं चकना, क्योंकि सारे साडे भरा ने, इतने जोड़े व्यापारी ने वह भी साडे भरा ने, जोड़े कोई काम करने वाले वह भी साडे भरा ने, दलित समाज के लोग भी साडे अपने लोग ने, तो जिहड़ा उन्हां दा प्रोटेस्ट आ वह प्रोटेस्ट जो भी उन्हां दा है वह अपना शांतमई तरीके दे नाल उह करन। सो इदां ही मैं ये भी कहांगा, क्योंकि जदों अजिहे प्रोटेस्ट हुंदे आ जिहड़ा कुछ अजिहे विच लोग घुस जांदे आ जिहड़े माहौल नूं खराब करन दी कोशिश करदे आ, ते उन्हां तों सुचेत रहना भी कोई आके गड़बड़ कराने की कोशिश ना करे। सो ऐसी मैं बेनती जिहड़ी है उन्हां नूं मैं अपने पहलां भी कीती आ, ता ही मैं शहर वाले नूं भी अपने कई बार कोई आके कहिंदा तां जिद नहीं करनी अपने, आपां जे किसी नूं कोई दुख आ दुख की घड़ी च आपां उन्हां दे नाल पानी वाली तुसीं गल कीती 122 करोड़ रुपया खर्चण दी, हाँ जी वो तुसीं क्या पिंडां वास्ते कह रहे हो, शहर वास्ते भी नाल है जां पिंडां वास्ते? शहर नूं तां ऑलरेडी BML तो पानी मिल रहा, पहले मिल रहा है, कैपैसिटी घट है ना उहदी? नहीं, उहदी कैपैसिटी इनक्रीज हो सकती है, करावांगे आपां, ते इह पिंडां वास्ते आ, लगभग मेरे इलाके के जिन्हें भी पिंड ने उन्होंने यह पानी मिलेगा, 200 किलो 250 किलोमीटर तो उत्ते पाइपलाइन जी जानी है, तो वो राही पै हर पिंड में जोड़ा है साफ सुथरा पानी ट्रीटमेंट करके दिता। सिविल अस्पताल तो दसा है भी 1 करोड़ रुपया से लाया जरूरी जी सहूलत देनिया से, उत्तर डॉक्टर की काफ़ी कमी चल रही है, देखो हूँ 400 डॉक्टर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के राही पंजाब सरकार भन च लगी है, कल्ला राजपुर ही घाट नहीं बाकी थान से, क्योंकि राजपुरा तो चंडीगढ़ के भी नेड़े उरे तो हर बंदा आने तैयार हैगा, पर कई जिहड़े बिल्कुल देहाती एरिया है उन्होंने भी नहीं है। सो हले डिवीजन की हुई है डॉक्टर, पर मैं लगता कि इसी महीने कंप्लीट हो जाएगा प्रोसैस, अगले महीने साढ़े सारे बलूड़ भी राजपुरा भी पूरे इलाके जो डॉक्टर वो पूरे। एक राजपुर ट्रोमा सेंटर की बड़े चिर तो मंग होंगी आ रही है नैशनल हाईवे के होने कारण, यह है कि यह पंजाब विधानसभा ने फैसला कर लिया कि जिन्हें भी हाईवे से शहर है, साडा शहर तो पहला शहर आ, तो उहदे ते जिहड़े ट्रामा सेंटर वो बनाए जाएंगे, जे पंजाब च कितें दो थां ते भी बणदे उहदे विच मैं इन्ना कह सकदा कि एक राजपुरा जरूर बनेगा।
देखो जी, साड़ी जो बाय इलेक्शन हुई थी बहुत अहम सी, और मैं समझता कि जिन्हां लोगों ने सानू मदद की है, इन्नियां वड्डियां गिणती विच वोटां पईआं ने सानू जिताया, साडा फर्ज बन जाता कि उन्हां दा असीं धन्नवाद करिए, क्योंकि बड़े सुलझे लोग ने इस वार्ड दे, उन्होंने बिना किसी लालच दे सिर्फ इस करके कि विकास होगा शहर का, उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया, और MLA साहब ने भी जो जवान इतने वार्ड के लोगों की थी कि तुसी नरेंद्र शास्त्री जिताओ, मैं नगर कौंसल का प्रधान बनावगा, उन्होंने भी जरा अपना वायरा पूरा किया, मेरी जो है नगर कौंसल चोण हो चुकी है, नोटिफिकेशन होना बाकी है, तो इस करके अज असी एक सारे ही जोड़े वार्डवासी से साडे सपोर्टर है, साडे लीडरशिप हैगी है, शहर के पतवंते सज्जन है, उन्होंने असं इकट्ठे करके अज असी उन्होंने सारा धन्यवाद किया, और असं MLA साहब का भी धन्यवाद किया सारे वर्करा ने कि उन्होंने अपनी जबान पुगाई है, और सानू जी बहुत वड्डी जिम्मेवारी दिती है शहर का विकास करने की। प्रधान जी, कल 2 तरीक न भारत बंद का सद्दा दिता गया, तो राजपुरा प्रधान की कुर्सी पर बैठ चुके हो, तुम अपने वनियों की सुनेहा देना चाहते हो राजपुरा की जनता? मैं तो यह सुनेह देना चाहता कि असं सारे भाई हैं, जे किसी वर्ग ने अपना प्रोटेस्ट करना तो सानू जिहड़ा है घट्टो घट उहदे नाल कोऑपरेट करना चाहिए, क्यों कई बार ऐसा होंगे कई बार ऐसी त्रेड़ा पै जानी है जाने अनजाने, ये फिर जो शहर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता भाईचारे का। मैं चाहता कि सारे लोग समझदार ने, बड़ा वाला इतने अतवाद का टाइम पंजाब रहा पर साडा कभी भाईचारा नहीं बिगड़िया, असं उस भाईचारा बनाने वास्ते शहर वासियों अपील करते हैं कि जे उन्हां दीआं भावनावां हैगीआं उह प्रोटेस्ट करन, और असी उसका कोई विरोध ना करिए, बल्कि असी अपनी जिहड़ी हैगी आ उन्हां दा खामोश रह के साथ दे। पता जी, कई बार इस तरह के प्रोटेस्टा के कुछ अनसिखावे जे अक्स ने जी वो माहौल खराब करते हैं, लोगों प्रॉपर्टी का लॉस करते, उन्होंने लिए थोड़ा की मैसेज है जी आम दे? वैसे मैं परमात्मा का शुक्र करता कि अज तक असं इस चीज़ तो बचे हुए हैं, और साढ़े शहर सर बचे साढ़े शहर के लोग समझदार ने, सारे समझदार ने, किसी वर्ग संबंधित है, और व्यापारी वर्ग सा बहुत ही सुलझा है, तो सारे ही जो इस गल ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसी दुर्घटना जी शहर ना हो, और जो कल का दिन है मन मान गुजर। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।